हाय दोस्तों, ये वीडियो तो आपने देखी होगी एंड बहुत लोग जो हैं फुल वीडियो का डिमांड कर रहे थे, तो फुल वीडियो जो है आ चुकी है। एक्चुअल में गेयरअप करके चैनल है जिनने ये वीडियो डाली हुई थी, जिसमें कि अंटी जो है उन पे ब्लेम कर रही है, जबकि राइडर की गलती नहीं है। पहले आप देखिए फुल वीडियो एंड उसके बाद में हम डिटेल में बात करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था और बाकी सब सिनेरियो क्या था, वो सारी डिटेल बात करेंगे। पहले आप फुल वीडियो देखिए। भाई दीदी, गाड़ी टकराई भी नहीं है बेटा। गाड़ी बिना टकराए हम लोग रास्ते में गिर जाएंगे। मैं आपको वीडियो दिखा दूं, मैं आपको अभी वीडियो दिखा दूंगा गाड़ी के। ऐसे कैसे गिर जाएंगे? मैं आपको अभी वीडियो दिखा देता हूँ, मैं आपको अभी वीडियो निकाल के दिखा दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपको वीडियो निकाल के दिखा दूँ, एक मिनट रुकिए, मैं दिखाई देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो इंसिडेंट था वो भोपाल का था एंड अगर जावा पैराक राइडर ने अगर हेलमेट में गोप्रो नहीं लगाया होता, एक्शन कैमरा नहीं लगाया होता, तो फिर पूरा ब्लेम जो है राइडर को भी जाता। जैसे आप देखा कि सडन ब्रेक की वजह से जो है स्कूटी गिरी थी। स्कूटी के छोटे छोटे व्हील होते हैं, जैसे आप सडन ब्रेक मारते हैं ना तो पूरे लॉक हो जाते हैं एंड स्केटिंग के चांसेस बनते ही बनते हैं। और लेडी को जब को मालूम नहीं है कि मिस्टेक किसकी, फिर भी उसने पीछे राइडर को ही आके जो है उसने ब्लेम किया। और साथ ही साथ जो चला रहे थे स्कूटी, उनने भी आके इनको ब्लेम किया, जबकि उनको मालूम है कि पीछे से कोई ठोका नहीं है, कुछ नहीं, उन्हें इमरजेंसी ब्रेकिंग मारी है, उसके वजह से प्रॉब्लम जो है खास तौर पर देखने मिली है। बट वहाँ के जो साथ में जो राइडर चल रहे थे, जो बाइक वाले थे, उनने आके सपोर्ट किया इसका एंड पुलिस बुलाई गई, पुलिस को वीडियो दिखाया गया, इनको वीडियो दिखाया मगर इन्हें वीडियो नहीं देखा। एंड दोस्तों, मैं सच में कहूँगा कि राइडर जो है वो लकी है कि उसने उस समय एक्शन कैमरा उसका चालू था एंड सामने जो फुटेज चल रही थी एंड उसने अपना एक्सीडेंट प्रूव कर पाया, वरना पीछे वाले की गलती ही ज़्यादा मानी जाती। एंड जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ, लग नहीं रहा था कि एक्सीडेंट होता, मगर सडन पैनिक ब्रेकिंग की वजह से ही जो है स्कूटी जो है गिरी थी एंड राइडर के एक्शन कैमरा में आ गया और राइडर बच गया। ऐसा पहले जो है कार वालों के साथ बहुत ज़्यादा होता था, पीछे से कार आ रही है, भले ही बाइक वाले की गलती हो मगर कार की ही मिस्टेक पहले से की जाती थी। बट ये पहली टाइम वीडियो देख रहा हूँ जिसमें कि बाइक वाले की मिस्टेक की जा रही है। तो दोस्तों, कार में डैश कैम तो आजकल इंपॉर्टेंट हो ही गया है, जिसमें कि आप सामने फ्रंट का कैमरा जो है रख सकते हैं। फ्रंट एंड रेयर दोनों का ऑप्शन आता है, फ्रंट में इंपॉर्टेंट होता है, रेयर में अगर आप रखते हैं तो और भी अच्छी बात है। बट अब लगता है कि बाइक में भी जो है डैश कैम लगा के घूमना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे इंसिडेंट अगर होंगे और ब्लेम किया जाएगा तो फिर तो पुलिस के फिर चक्कर लगने वाले हैं, और कुछ नहीं कर सकते। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने में मिला होगा एंड अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस इंसिडेंट को लेकर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखिए रिपोर्ट को। एंड दोस्तों, एक चीज़ मैं थैंक जरूर करना चाहूँगा कि जो राइडर थे, जावा पैराक राइडर थे, भोपाल के राइडर थे, उनने जो है ये वीडियो ला के एक चीज़ तो प्रूव कर दिया कि हर बार जो है पीछे वाले ड्राइवर की ही, जो राइडर है उनको मिस्टेक नहीं होती। तो यहाँ वीडियो कनेक्ट करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रिपोर्ट को। ऐसी बहुत सारे वीडियोज़ आप लें आते रहेंगे। बाय।